हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो अज के लैक्चर असी पंजाबी सभ्याचार एंड पंजाबी साहित्य के उपर कुछ इंपोर्टेंट MCQ करांगे जो कि पंजाब के एग्जाम्स अक्सर ही देखने को मिलते हैं। तो यह अपने को सैकेंड पार्ट रहेगा। इस तो पहला आप एक पार्ट अपलोड कर चुके हैं, तो रिक्वेस्ट है वीडियो एंड तक जरूर देखियो। एंड जेकर वीडियो चंगी लगे तो वीडियो शेयर कर दियो। एंड जेकर इस चैनल पर नवे हो तो इस चैनल में सबसक्राइब करके बैल आइकन भी प्रेस कर लियो। तो शुरू करते हैं अज के क्वेश्चन। अपने को फर्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज एंड ब्यास विचकारले खेत्र विच पंजाबी भाषा का किहड़ा रूप बोलिया जाता है? इसका राइट आंसर आएगा जी दुआबी। तो आपको पता होना चाहिए कि दुआबी जिहड़े दुआबे के खेत्र विच बोली जाती है। इस दे मुख खेत्र किहड़े किहड़े है? जलंधर, हुशियारपुर, कपूरथला एंड नवांशहर। तो इस तरह के क्वेश्चन आप करते हैं तो अपना जो ETT सैकेंड पेपर के भाषा एंड उपभाषा टॉपिक दिता गया है उसनों भी ये वाले क्वेश्चन कवर करनगे। इस तरह ही जो सिख गुरु के उपर क्वेश्चन करते हैं वो अपने को SST का हिस्टरी पार्ट भी कवर करते हैं। इस तो अलावा अपने को जो पंजाब का सभ्याचार एंड साहित ये वाला पार्ट भी वो क्वेश्चन कवर करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपन सिख गुरुओं के उपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस तो अलावा आप इस क्वेश्चन की गल करिए अपने को जो मलवई इस दे खेत्र जो ने वो ने जी फिरोजपुर, लुधियाना, मोगा, फरीदकोट, पटियाला, फतेहगढ़ साहब, इदा के जोड़े है अपने को मलवई के खेत्र आ जाते हैं। इस तो अलावा पुआधी की गल करते हैं तो इस दे मुख खेत्र किहड़े-किहड़े है जी? राजपुरा, आनंदपुर साहब, खरड़ एंड कुराली, इदा के जो पुआधी के खेत्र आ जाते हैं। लास्ट अपने को माझी जो अपनी टकसाली बोली है, सब तो पहला अपन ये पता होना चाहिए। एंड खेत्र की है जी? अमृतसर, गुरदासपुर, तरन तारण एंड पठानकोट। तो ये वाले इन्हों के मुख खेत्र है। तो नैक्सट क्वेश्चन अपने को है, आदि ग्रंथ किसने लिखा? इसका राइट आंसर की बनता है जी? भाई गुरदास जी। तो आपको पता होना चाहिए गुरु अर्जन देव जी ने आदि ग्रंथ की रचना की थी एंड उसकी पहली लिखित किन्ना ने दी? भाई गुरदास जी ने दी। एंड भाई गुरदास जी एक धार्मिक प्रचारक सीगे, लेखक सीगे। तो उन्होंने जन्म कदों होया? 1551 उन्होंने जन्म होया। उन्होंने जो रचनावां की गल करिए, वारा एंड कवित सही उन्होंने रचनावां ने। नैक्सट क्वेश्चन अपने को है, किस नूं पंजाबी कविता के काफ़ी रूप का मोढ़ी मनिया जाता है? इसका राइट आंसर की रहिंदा है जी? शाह हुसैन। तो उन्होंने जन्म कदों होया? 1538 जन्म होया पाकिस्तान लाहौर के। गुरु अर्जन देव जी के मित्र सीगे। उन्होंने रचनावां जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो ने जी अमलों के उपर होण नवेड़े, आप नूं पछाण बंदे एंड आखनी माए आख, ये जो इन्हां दीआं रचनावां ने ये तुसीं नोट कर सकते हो। एंड उस तो बाद बुले शाह की गल करिए तो उन्होंने जन्म होया जी 1680 उन्हों का जन्म होया सीगा, ये तुसी नोट कर सकते हो। रचनावां की गल करिए मक्के गया गल मुकदी नाहीं एंड उस तो बाद है जी बुला की जाना मैं कौन, इन्हों के उपर क्वेश्चन बन चुके हैं। तो वारिस शाह उन्होंने उपर जो क्वेश्चन बनता, उन्होंने जन्म कदों होया? 1722 उन्हों का जन्म होया। एंड जो रचना मोस्ट इंपोर्टेंट है, हीर रांझा, ये तुसी नोट कर सकते हो। नैक्सट अपने को है, आधुनिक पंजाबी साहित्य का रचेता किसनों मनिया जाता है? इसका राइट आंसर रहिंदा जी भाई वीर सिंह। तो भाई वीर सिंह का जन्म कदों होया? 1872 उन्हों का जन्म होया। रचनावां जो तुसी याद रख सकते हो, सुंदरी, विजय सिंह, सतवंत कौर एंड बिजलियां का हार, तो इन्होंने मुख्य रचनावां ने। इस तों अलावा उन्होंने पुरस्कार 1955 साहित्य अकैडमी अवार्ड मिलिया, 1956 पद्म भूषण मिलिया। उस तो अलावा 1957 उन्हों की डैथ हुई सी, तुसी नोट कर सकते हो। तो अपने को है जी भाई कान सिंह नाभा। तो उन्होंने गल करिए उन्होंने जन्म होया जी 1861 उन्होंने जन्म होया। एंड इस अलावा उन्होंने रचनावां जो ने, हम हिंदू नाही, गुरु चंद दिवाकर, जो इन्हों मोस्ट इंपोर्टेंट रचनावां ने जिन्हों के उपर क्वेश्चन बन सकता है। तो उस तो बाद अपने को है जी धनी राम चात्रिक। तो इन्हों की गल करिए 1876 जन्म होया। तो इन्हों रचनावां ने जी नवा जहान, नूर जहां, बादशाह बेगम मुख्य रचनावां एंड संत सिंह सेखो। तो इन्हों का जन्म कदों होया जी? 1908 इन्हों का जन्म होया। ये भी अपने को जी एक नाटककार एंड लेखक सीगे। नैक्सट क्वेश्चन अपने को है, पंजाबी नाटक का पितामह किसनों मनिया जाता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर की रहिंदा जी? ईश्वर चंद्र नंदा। तो इन्हों का जन्म कदों होया? 1892 इन्हों का जन्म होया। तो इन्हों रचनावां की गल करिए, सुहाग, बेबे राम भजनी, तो इस अलावा माँ का डिप्टी एंड बेईमान, इन्हों मोस्ट इंपोर्टेंट रचनावां ने। इस अलावा आप गुरदयाल सिंह की गल करिए उन्होंने जन्म कदों होया? 1933 इन्हों का जन्म होया, नोट कर सकते हो। एंड रचनावां इन्हों भागा वाली, मड़ी का दीवा, अनहोनी एंड बेगाना पिंड।
तो ये जो इन दिया मुख रचनावां ने अवार्ड इन्हों 1975 दे विच अध चाननी रात दे लई अकैडमी अवार्ड मिलिया सीगा। 1998 दे विच उन्हां नूं पद्म श्री एंड 1999 दे विच उन्हां नूं ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला सी। ये तुसीं नोट कर सकते हो। इस तो बाद है जी अपने कोल बलवंत गार्गी, उन्हां दी गल करिए। उन्हां दा जन्म कदों होया जी 1916 दे विच उन्हां दा जन्म होया सीगा। एंड मुख रचनावां ने जी लोहा कुट, कनक दी बल्ली एंड मिर्जा साहिबा, ये तुसीं नोट कर सकते हो। नैक्सट क्वेश्चन अपने कोल है, एक म्यान दो तलवारां अते चिट्टा लहू किस दी रचना है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर रहिंदा है जी नानक सिंह। तो यह नानक सिंह की रचना है। उन्हां दा जन्म कदों होया 1897 दे विच उन्हां दा जन्म होया सीगा, ये तुसीं नोट कर सकते हो। उन्हां दी रचनावां जिहड़ियां होर हैगियां ने प्यार दी दुनिया, गरीब दी दुनिया, कागतां दी बेड़ी, धुंधले परछावें, इदां दी रचनावां जो ने मुख ने, इन्हां दे विचों पुछा जा सकता है कि इन्हां दे विचों किहड़ी रचना नानक सिंह दी है। इदां दे क्वेश्चन आ जांदे आ। तां 1962 दे विच इन्हां नूं एक म्यान दो तलवारां दे लई अकैडमी अवार्ड मिलिया सी, इह तुसीं नोट कर सकते हो। नैक्सट क्वेश्चन अपने कोल है, द नेक्ड ट्रायंगल इन्हां विचों किस दी स्वै जीवनी है। राइट आंसर रहिंदा है बलवंत गार्गी। तो उन्हां दे बारे आपां लास्ट क्वेश्चन दे विच डिस्कस कर चुके हाँ। तो बलवंत साहनी की गल करिए, उन्हां दा जो जन्म कदों होया जी 1913 दे विच, ये तुसीं याद रख सकते हो। तो रचनावां उन्हां दी मेरा पाकिस्तान सफरनामा, मेरा रूसी सफरनामा, इस तो अलावा बाजी एंड दास्तां, ये जो इन्हां दी मुख रचनावां ने। एंड इस तो बाद आपां जसवंत सिंह कंवल की गल करिए, तो उन्होंने बारे तुसीं याद रख सकते हो। 1919 दे विच उन्हां दा जन्म होया सीगा, वह भी एक प्रसिद्ध नावलकार सीगे। रचनावां उन्हां दीआं लहू दी लो, कौमी ललकार एंड रात बाकी, ये जो ने रचनावां ने। तो इस तो अलावा 1996 दे विच उन्हां नूं पक्खी रचना दे लई साहित फैलोशिप अवार्ड मिलिया। एंड 1998 दे विच उन्हां नूं तुशाली दी अंसो दे लई साहित अकैडमी अवार्ड मिलिया सी। उस तो बाद अपने कोल है जी करतार सिंह दुग्गल। तो उन्हां दा जन्म कदों होया, 1917 दे विच उन्हां दा जन्म होया सीगा। एंड उन्हां दी रचनावां जो मुख हैगियां ने नवां घर एंड सरदार, इदां दी रचनावां उन्हां दे मुख ने। तो पुरस्कार उन्हां नूं 1962 दे विच सर्वोत्तम साहित्यकार मिलिया सीगा। 1988 दे विच उन्हां नूं पद्म भूषण मिलिया सीगा। एंड 2007 दे विच उन्हां नूं साहित्य अकैडमी अवार्ड मिलिया सी, ये तुसीं नोट कर सकते हो। नैक्सट क्वेश्चन अपने कोल है, अमृता प्रीतम नूं किस रचना दे लई ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलिया। इसका राइट आंसर की रहिंदा जी कागज़ ते कैनवस। तो इस तो अलावा उन्हां नूं 1969 दे विच पद्म श्री मिलिया सीगा। एंड 2004 दे विच उन्हां नूं पद्म विभूषण मिलिया सीगा। एंड होर रचनावां दी गल करिए, पिंजर, रंग दा पत्ता एंड इस तो अलावा नागमणि उन्हां दी मुख रचनावां ने जिन्हां दे उपर क्वेश्चन बन सकते हैं। नैक्सट क्वेश्चन अपने कोल है, दलीप कौर टिवाणा नूं ए हमारा जीवन पुस्तक लई किहड़ा पुरस्कार मिलिया। राइट आंसर की रहिंदा है जी साहित अकैडमी अवार्ड मिलिया सी उन्हां नूं। तो 1971 दे विच ये अवार्ड मिलिया सी उन्हां नूं। इस तो अलावा 2001 दे विच उन्हां नूं सरस्वती सम्मान मिलिया सीगा। 2004 दे विच उन्हां नूं पद्म श्री एंड 2008 दे विच पंजाबी साहित रत्न अवार्ड मिलिया सी, ये तुसीं नोट कर सकते हो दलीप कौर टिवाणा दे लई। एंड नैक्सट क्वेश्चन अपने कोल है, इन्हां विचों किस नूं सब तो छोटी उम्र विच साहित अकैडमी अवार्ड मिलिया सी। तो राइट आंसर की रहिंदा जी शिव कुमार बटालवी। तो इन्हां नूं साहित अकैडमी अवार्ड मिलिया सीगा 1967 दे विच, किस दे लई लूणा नाटक दे लई मिलिया सी। तां जन्म इन्हां दा कदों होया, 1936 दे विच इन्हां दा जन्म होया सीगा। तो रचनावां दी गल करिए, पीड़ां दा परागा, लाजवंती, आटे दीआं चिड़ियां एंड बिरहा दा सुल्तान, इस तो अलावा अलविदा, ये जो ने रचनावां इन्हां दे मुख हैगे ने जिन्हां दे उपर क्वेश्चन बन सकते हैं। सो ये सी अपने अज दे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह ही आपां इस टॉपिक नूं अगे नैक्सट लैक्चर दे विच करांगे, जिस दे विच कुछ होर इंपोर्टेंट क्वेश्चन किए जाएंगे। इस तो अलावा जेकर तुसीं अपने वट्सएप एंड टैलीग्राम ग्रुप च ऐड नहीं हो, वो तुसीं ज्वाइन कर सकते हो। उन्हां दा लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच मिल जाएगा। एंड वीडियो देखण तों बाद एक बार कमेंट जरूर चैक करिया करो, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन दे विच जां ऑप्शन दे विच प्रॉब्लम हुंदी है उसनों कमेंट दे विच पिन कर दिता जाता है। एंड जेकर अपना जो फस्ट वाला लैक्चर तुसीं नहीं देखा, वो तुसीं देख सकते हो। उन्हां दा लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच मिल जाएगा। एंड होर वीडियोज़ के लिए तुसीं प्लेलिस्ट दे विच भी विजिट कर सकते हो। सो मिलते हैं नैक्सट वीडियो दे विच। थैंक यू।